हरमो नदी राजधानी रांची से होकर बहने वाली यह नदी कभी इस शहर की जीवन धारा हुआ करती थी, लेकिन आज यह राजधानी की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। बीते कुछ दशकों में यह नदी कैसे बद से बदतर होती गई, इसे यहाँ के निवासियों ने बहुत करीब से देखा है जो रोज यहाँ से गुजरते हैं। पहले नदी साफ था, अब गंदा हो गया। हम लोग को मच्छर काट रहा है, रात में सोना मुश्किल, बैठना मुश्किल हो जा रहा है, आना जाना बंद हो जा रहा है। दुनिया भर के गंदा है। हम लोग नहाते तो धोवाते थे, वो भी साफ हो नहीं हो रहा है। हम लोग बीमार पकड़ जा रहा है, मलेरिया मच्छर काट काट के। घर में बदबू आ जा रहा है महक से। आगे बहुत बढ़िया था, सब कोई पीते थे, खाते थे, कपड़ा उपड़ा सब धोवाते थे, नहाते तो धोवाते थे, वो भी गंदगी हो गया। दुनिया भर का बीमारी फैल रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, बरसात में घर ढह जाता है, कचरा पानी घुस जाता है, सबको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बरसात में तो गाय गोरू सब कुत्ता फेंक देता है, सब गमक से रहल नहीं जा रहा है। नदी किनारे में हम लोग का घर है, सब तोड़ फाड़ दिया है सरकार, अभी अधूरा काम करके आज छोड़ दिया है, पूरा जंगल हो गया है। बड़का बड़का बिच्छू आ रहा है, तो सांप आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। हम लोग बड़ी मुश्किल में है इस जगह, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, बहुत दूर हम लोग को जाने पड़ता है, समस्या बहुत खराब है हम लोग का। लगभग 15 लाख की आबादी वाला रांची राज्य के सबसे सघन आबादी वाले राज्यों में शामिल है। इनमें से करीब 2 लाख लोग गंदे एवं बदबूदार पानी का इस्तेमाल करने के लिए विवश हैं। नदी तो पहले बहुत सफा था, लेकिन बहुत गंदा पानी आ रहा है, देखने से एकदम बीमारी हो जाता है आदमी को। सफाई रहता तो बहुत अच्छा रहता पानी। तब कौन चीज़ गिरता था, सोना चांदी 1 रुपया गिरता था, फट से आदमी निकाल लेता था। अब तो कुछ हो जाएगा तो इनमें निकलने वाला सवाल ही नहीं है, इनमें निकाल सकते गंदा पानी से। पानी सफा रहता तो बहुत अच्छा रहता देखने में। इसमें छठ पर्व सब होता था, आदमी नहाना धोना सब करता था। बाकी जब से गंदा बस गया सब, तब से सरकार मैंने पानी बहुत गंदा करवा दिया, बहुत दिक्कत होता आदमी की। जा मानसून को छोड़ दे तो हरमो नदी का पानी पूरे साल काला व बदबूदार होता है। ऐसे में यहाँ मछलियाँ तो खत्म ही हो गई हैं। ये पहले जो नदी थी, नदी था, अभी तो नाला हो गई है। इसमें इतनी सफ़ेद पानी थी, जिसमें हम लोग स्नान बनाते थे, कपड़ा पीस लेते थे, खाना बना के खा लेते। आज तो इतनी गंदी हो गई। जिस समय में नदी था तो नहीं गरीब, पूरा जंगल था। यहाँ से दुर्गा पंडाल में जाता था कलश रखने के लिए जल है, वो नदी था। आजकल तो काला पानी बह रहा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भी नदी प्रदूषित हो रही है। हालांकि सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वह कारगर नहीं हो पाई। यह नदी बहुत पहले साफ सुथरा था, ऐसा था कि यहाँ कुछ भी जाने से मैंने एगो चार आना भी गिरता था तो उसको दिख जाता था, इतना साफ सुथरा था। इसमें हम लोग बहुत स्वस्थ नहाते धोते थे बचपन में, सब इसमें खेलते कूदते थे। लेकिन जब से गंदगी फैला है, नदी में हम लोग का रहना दूर हो गया है, सामने घर है, पूरा गंदगी का चलते पूरा परेशानी, मच्छर अथी होता है। और ये नदी बहुत साफ सुथरा था, ऐसा था कि इसमें स्वस्थ था पूरा नदी, बालू का था, बालू सब नदी में बहता था, पूरा साफ सुथरा और कोई चीज़ का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। अभी तो इसमें बहुत दिक्कत आ गया है, पूरा गंदगी फैल गया है चारों तरफ से, पूरा मेन रोड का गंदगी, यहाँ का गंदगी, सब तरफ का गंदगी यही नदी में आ जाता है। हरमू नदी है, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, आदमी
तो इसको और गंदगी का अथी करके बिगाड़ दे रहा है इसमें। इसलिए हमारा बोलना है कि इसको जितना भी जल्दी हो साफ सुथरा हो जाए, सरकार की तरफ से कुछ इसमें काम हो। एक बार काम भी हुआ जो रुक गया बीच में, वो काम जल्दी आगे हो तो यहाँ कुछ आदमी को अच्छा लगे, स्वस्थ है हो जाए। पानी हिल जाता है, साफ सफाई तो आधा हुआ है, पूरा हुआ नहीं है, आधा काम शुरू हुआ है और उसके बाद रुक गया है काम।